चुनावी घमासान के बीच अचानक आया मोदी का फोन। ईश्वरप्पा की नाराजगी के बीच खुद मोदी ने किया फोन। दोस्तों, आखिर क्यों कर्नाटक में भी पीएम मोदी को वो करना पड़ गया जो उन्होंने हिमाचल में किया था? आखिर कर्नाटक के किस बागी और नाराज बीजेपी के नेता को मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन करना पड़ गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज भाजपा के दिग्गजों का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा भी बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने राजनीति से संन्यास तक लेने की बात कही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें फोन कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और केएस ईश्वरप्पा के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई, जिसमें ईश्वरप्पा ने पीएम मोदी से कहा कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। ईश्वरप्पा भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि डेफिनेटली जीतेंगे सर। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। बता दें कि दोनों के बीच यह बातचीत ईश्वरप्पा और उनके बेटे के ई कांतेश के कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट से चूकने के बाद हुई है। दरअसल शिमोगा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित हुए ईश्वरप्पा ने बीजेपी से अपने बेटे के ई कांतेश के लिए टिकट की मांग की थी। वहीं बीजेपी ने शिमोगा से ईश्वरप्पा के बेटे के ई कांतेश को टिकट न देकर चन्ना बसप्पा को मैदान में उतार दिया। इसे लेकर वो नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि ईश्वरप्पा ने साफ तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, हमें उन्हें बीजेपी में वापस लाना है जो हमारी पार्टी से नाराज है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, ईश्वरप्पा वही नेता है जिन पर 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और बहुत सीरियस आरोप लगा था, जिसके बाद खुद पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ गया था और जिसके बाद ये भ्रष्टाचार के आरोप इतने बढ़ गए थे कि राज्य की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया था। और अब यही सवाल दोस्तों विपक्ष भी अब पूछ रहा है कि जिस शख्स पर 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको पीएम मोदी फोन कर उनकी नाराजगी क्यों दूर कर रहे हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।